जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रो सेज टीवी पर बुध ग्रह के सिंह राशि में मार्गी होने के परिणामों को लेकर। जैसा कि ज्योतिष प्रेमी जानते हैं कि बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, गुणागणित और आंकड़ों आदि का प्रमुख कारक ग्रह माना गया है। ऐसी स्थिति में बुध का मार्गी होना इन मामलों पर अच्छा खासा प्रभाव डालता है। बुध पिछले महीने यानी कि अगस्त के महीने में 24 अगस्त 2023 को वक्री हुए थे, वहीं अब ये 16 सितंबर 2023 को मार्गी हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि बुध ग्रह जिन जिन चीजों के कारक हैं उन चीजों में सकारात्मकता का ग्राफ बुध के मार्गी होने के पश्चात बढ़ जाना चाहिए। वहीं जिनके लिए बुध ग्रह अनुकूल है अर्थात अनुकूल भावों के स्वामी हैं और वर्तमान में गोचर में भी अनुकूल हैं, उनके लिए अनुकूलता और बढ़ जानी चाहिए। लेकिन बुध ग्रह किसी के विरुद्ध कार्य करने वाले यदि हैं तो उनके लिए बुध का मार्गी होना कमजोर परिणाम भी दे सकता है। आपकी राशि पर बुध ग्रह के मार्गी होने का कैसा परिणाम पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं। पंचम भाव में बुध के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ऊपर से शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव भी है, तो इस कारण से मार्गी होने के पश्चात बुध पंचम भाव से संबंधित मामलों में कोई विशेष अनुकूलता शायद न दे पाए। लेकिन तीसरे भाव के स्वामी का मार्गी होना बेहतर कॉन्फिडेंस देने का काम कर सकता है। वहीं छठे भाव के स्वामी का मार्गी होना प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में बेहतरी देने का काम कर सकता है। इस तरह से कुछ परिणाम आपके फेवर के होने चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में संभव हो तो मन में यानी कि मानसिक रूप से गणेश जी के किसी भी मंत्र का, चाहे ओम गम गणपतये नमः ही जप लें, 108 बार कम से कम जरूर जपें। आइए अब जान लेते हैं कि बुध ग्रह के मार्गी होने का वृष राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। वृष राशि वालों, बुध ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे तथा पांचवें भाव के स्वामी होते हैं और ये चौथे भाव में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं। चौथे भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में बुध का मार्गी होना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। बुध की इस स्थिति के चलते आप आर्थिक मामलों में बेहतरी का अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थियों को भी बुध का मार्गी होना सकारात्मक परिणाम दिलाने में मदद करेगा। हालांकि शनि की दृष्टि के चलते अभी भी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सकेंगे। भूमि, भवन और वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बुध के मार्गी होने का मिथुन राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि वालों, बुध आपके पहले भाव अर्थात राशि या लग्न के स्वामी होने के साथ साथ आपके चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं और बुध आपके तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। हालांकि तीसरे भाव से संबंधित मामलों में तो बुध कोई विशेष योगदान नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके आत्मविश्वास को बेहतर करने में जरूर कुछ भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि राशि स्वामी होने के कारण बुध ग्रह आपके स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आपकी योजनाएं इस समय तुलनात्मक रूप से बेहतर ढंग से काम कर सकती हैं। वहीं चौथे भाव के स्वामी होने के कारण बुध ग्रह के मार्गी होने से घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में तोता या फिर किसी भी चिड़िया को हरे फल या हरे दाने डालना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बुध के मार्गी होने का कर्क राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि वालों, बुध ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और ये आपकी कुंडली में दूसरे भाव में रहते हुए मार्गी हो रहे हैं। दूसरे भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है, तो ऐसी स्थिति में बुध के मार्गी होने से आपके आर्थिक मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। खर्च तुलनात्मक रूप से कम हो सकते हैं, दूर की यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। साथ ही साथ बुध के मार्गी होने से आपका आत्मविश्वास भी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपका काम छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से पूरा हुआ करता है यानी आपका काम यात्राओं से संबंधित है तो उसमें भी बेहतर अनुकूलता देखने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बुध के मार्गी होने का सिंह राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सिंह राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में लाभ और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके प्रथम भाव में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं। सामान्य तौर पर बुध के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन बावजूद इसके
बुध पहले भाव में मार्गी होकर आपके बौद्धिक स्तर को बेहतर करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा लाभ भाव के स्वामी होकर बुध मार्गी हो रहे हैं, परिणाम स्वरूप लाभ के रास्ते आसान होंगे। यदि कहीं पर कोई पैसा फंसा हुआ था तो बुध के मार्गी होने से उसके मिलने की राहें आसान होंगी, अर्थात आर्थिक मामलों में बुध का यह गोचर आपको बेहतर परिणाम देना चाहेगा। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है, बुध अनुकूलता दिला सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब कन्या का शिक्षा के मामले में सहयोग करना, कॉपी पेन या फीस वगैरह जमा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बुध के मार्गी होने का कन्या राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि वालों, बुध आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके करियर स्थान के भी स्वामी होते हैं और ये आपके द्वादश भाव में मार्गी हो रहे हैं। द्वादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, अतः मार्गी होने के पश्चात बुध कुछ खर्चे बढ़वा सकते हैं, लेकिन करियर स्थान के क्योंकि ये स्वामी हैं, अतः करियर स्थान के स्वामी का मार्गी होना कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बढ़ाने का काम कर सकता है। विशेषकर यदि आपके कार्य क्षेत्र का संबंध आपके जन्म स्थान से किसी दूर के स्थान से है अथवा विदेश से है तो बुध ग्रह का यह गोचर आपको काफी अच्छे परिणाम दिला सकता है। स्वास्थ्य इत्यादि की अनुकूलता का ग्राफ भी बढ़ सकता है, यानी बहुत फायदा नहीं लेकिन कुछ फायदे मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बुध के मार्गी होने का तुला राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और फिलहाल ये आपके लाभ भाव में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं। लाभ भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है, ऐसी स्थिति में बुध का मार्गी होना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। दूर की यात्राएं लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, विदेश से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी। यदि नींद से संबंधित कोई परेशानियां पिछले दिनों आई थी तो उन परेशानियों के दूर होने के योग बनेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में देसी गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बुध के मार्गी होने का वृश्चिक राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में आठवें भाव के स्वामी होने के साथ साथ लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं और ये आपके कर्म स्थान पर गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बुध आपके लिए अनुकूल परिणाम दिलाने की कोशिश करेंगे। कामों में आ रही कठिनाइयां अब दूर होने लग जाएंगी। आपके सहकर्मी आपका बेहतर ढंग से सपोर्ट करेंगे, आपके वरिष्ठ आपके कामों की प्रशंसा करते हुए देखे जा सकेंगे। बुध के मार्गी होने से कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी बुध का यह गोचर विशेष अनुकूलता देने की कोशिश में रह सकता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग भी मजबूत होंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी धर्म स्थल पर दूध और चावल का दान करना भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। आइए अब जानते हैं कि बुध के मार्गी होने का धनु राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में सातवें और दसवें भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके भाग्य भाव में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं। हालांकि भाग्य भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कर्म स्थान के स्वामी का मार्गी होना कार्य क्षेत्र में अनुकूलता देने और दिलाने का काम कर सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग आपका मार्गदर्शन करते हुए, आपका सहयोग करते हुए देखे जा सकेंगे। वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आपका कार्य क्षेत्र बेहतर होगा। निजी जीवन में चल रही कठिनाइयां या परेशानियां अब दूर होने लग जाएंगी। अर्थात भले ही नवम भाव में बुध के गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगे बुध के मार्गी होने से। हालांकि जब तक नवम भाव में बुध का गोचर है तब तक निजी संबंधों या काम धंधे से संबंधित मामलों में रिस्क नहीं लेना है। सारांश है कि पिछले दिनों की तुलना में बुध ग्रह अब तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन कर उन्हें हरे वस्त्र भेंट करना शुभ रहेगा, उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि बुध के मार्गी होने का मकर राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में छठे और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके आठवें भाव में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं। बुध के गोचर को आठवें भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, अतः बुध के मार्गी होने से अच्छे परिणामों का ग्राफ बढ़ सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में आप बेहतर करते हुए देखे जाएंगे। स्वास्थ्य में भी तुलनात्मक रूप से बेहतरी देखने को मिल सकेगी। दूर की यात्राएं फायदेमंद रहेंगी, फिर भी किसी भी मामले में बहुत बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। अर्थात धैर्य के साथ काम करते हुए, पुराने अनुभवों के साथ आगे बढ़ते हुए
आप काम करेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बुध के मार्गी होने का कुंभ राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में पांचवें और आठवें भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके सातवें भाव में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं। सातवें भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में बुध के मार्गी होने से सातवें भाव से संबंधित परिणामों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में कहा सुनी का लेवल बढ़ सकता है। साझेदारी के कामों में पार्टनर्स को समझाने और समझने में आपसे कुछ त्रुटि हो सकती है। हालांकि पंचम भाव के स्वामी का मार्गी होना प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का काम कर सकता है। साथ ही साथ बुध का मार्गी होना कुछ अप्रत्याशित फायदे भी दिलाने का काम कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बुध के मार्गी होने का मीन राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मीन राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में चौथे तथा सातवें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके छठे भाव में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं। सामान्य तौर पर बुध के गोचर को छठे भाव में अच्छा माना जाता है, फलस्वरूप बुध का मार्गी होना आपके लिए अच्छे परिणाम देने, अच्छे परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। आपकी मेहनत के परिणाम अब आसानी से आपको मिल जाने चाहिए। घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी। निजी संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव के बाद सब कुछ अच्छा होता हुआ देखा जा सकेगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में है, ये एक कमजोर बिंदु है, लेकिन छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है। इसलिए दाम्पत्य संबंधी मामले हो या फिर साझेदारी के मामले, उन मामलों में कुछ कठिनाइयां तो रह सकती हैं, कुछ परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन कठिनाइयों के बाद काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बुध के सिंह राशि में मार्गी होने के परिणामों को पहले से जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे, और बुध के मार्गी होने से यदि कोई नुकसान भी होते हैं तो उस नुकसान को आप योजनाबद्ध तरीके से न केवल दूर कर सकेंगे बल्कि बुध की इस अवस्था का लाभ भी ले सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।